बहुत साल पहले एंचेंसिया राज्य में सोफिया नाम की एक नन्हे बच्ची रहती थी। सोफिया अपनी माँ मिरांडा के साथ जूतों की एक छोटी सी दुकान में काम करती थी। लेकिन एक दिन उन्हें महाराजा रोलैंड द्वितीय का बुलावा आया, जिन्हें नई शाही जूते चाहिए थे। उम्मीद है वो नीले रंग के हो। नहीं, लाल। चलकर देखते हैं। सोफिया और सोफिया महाराज से मिलने को बहुत ही उत्सुक थी। मिरांडा ने महाराज के पैरों में शाही जूते पहनाए, जैसे कि वो उनके लिए बने थे, और वो दोनों भी। महाराज रोलैंड और मिरांडा की जल्द ही शादी हो गई। और शायद आपको लगे कि कहानी यहीं खत्म होती है, पर ये तो कहानी की शुरुआत है। सोफिया जल्दी करो बेटा, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूं। सोफिया, अब जब कि हम महल में रहने वाले हैं, तो वहाँ तुम्हारा अपना खुद का कमरा होगा। सोफिया प्रथम एक थी राजकुमारी। अब ज्यादा देर तक यहाँ की सबसे खूबसूरत राजकुमारी नहीं रहोगी। एम्बर, जेम्स, हमें विश्वास है आप दोनों पूरे मन से अपनी बहन का स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल पिताजी। महाराज। महाराज रोलैंड द्वितीय। महारानी मिरांडा। कैसी हो? सुप्रभात सोफिया। सुप्रभात राजकुमार जेम्स। राजकुमारी एम्बर, मैं कितनी खुश हूँ कि अब हम बहने हैं। सौतेली बहने। एम्बर, जेम्स, ज्यादातर कहानियों में सौतेली माँ बच्चों से अच्छे से पेश नहीं आती, पर मैं वो बदलना चाहती हूँ। ये लो, मैंने इन्हें अपने हाथों से सिया है। ये तो हमारा शाही चिन्ह है। बिल्कुल सही जेम्स, इस पहचान को हम बरकरार रखेंगे एक परिवार बनकर। सोफिया, परिवार में आपका स्वागत है। महारानी मिरांडा और राजकुमारी सोफिया की जय हो। सेड्रिक, हमने फूलों की बरसात कहा था, पानी की नहीं। माफ कीजिए महाराज, इसे चलाना अभी तक सीख रहा हूँ। ये है सेड्रिक, हमारे शाही जादूगर। इनके पूर्वज भी हमारे वहाँ जादूगर हुआ करते थे, इसलिए अब तक यहाँ है। क्या मैं भी हाथ लहरा हूँ? हाँ, आपको भी हाथ लहराना चाहिए। ठीक है। हे, कैसे हैं आप? हम सिर्फ शाही लोगों के सामने झुकते हैं। मुझे लगता है यहाँ के तौर तरीके सीखने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए जैसा हम करें हमारे पीछे वैसा ही करें। बढ़िया, मतलब हम आगे रहेंगे और आप हमारे पीछे पीछे आएंगे। ओ, ठीक है, आ रही हूँ। ओ, जरा संभल कर, ये नई राजकुमारी की राजगद्दी है। ठीक है। राजकुमारी, जरा संभल कर चलिए। जादूगर सीड्रिक। मेरा नाम सेड्रिक। आप जैसे सचमुच के जादूगर से मिला मेरे लिए एक सपना है। फूलों वाला जादू तो कमाल था। अगर कमाल से तुम्हारा मतलब है मेरे बेहुदा कारनामे, तो उसके लिए शुक्रिया। मुझे तो आग करने वाले बड़े बड़े राक्षसों को पकड़ना है। पर नहीं, महाराज तो कुछ और ही चाहते हैं। जादूगर सीड्रिक। मेरा नाम है बेलीवेक, मैं महल का प्रबंधक हूँ। महल की सारी चीजें सही वक्त पर सही जगह पर हैं या नहीं, ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। और आपको होना चाहिए था भोजन गृह में 30 सेकंड पहले। हाँ। जल्दी कीजिए। जा रही हूँ। हाँ।
सोफिया कहिए महाराज। हमें रोलन कह सकती हो या ए मुकुट पहने हुए इंसान या फिर पिताजी। यहाँ की रीत है कि शाही परिवार के सदस्यों का शाही अंदाज में स्वागत किया जाता है। आपकी माँ का स्वागत शादी के दिन किया गया और आपके लिए अगले हफ्ते हमने एक शाही समारोह आयोजित किया है। जेम्स बीच में नहीं बोलते। शाही समारोह मेरे लिए? पिताजी ये सब हमारे लिए क्यों नहीं किया? किया गया था आपके और आपके भाई के जन्म के बाद। आपको याद नहीं बहना? सोफिया ये आपका शाही स्वागत होगा और आपको हमारे साथ नृत्य करना होगा। कितना मजा आएगा। मुझे नृत्य करना होगा? क्यों नहीं, इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा लोगों को बताने का कि राजकुमारी सोफिया राज्य में पधार चुकी हैं। ये मेरा कमरा है? नहीं राजकुमारी, ये आपका कमरा है। कितना बड़ा है? ये उतना ही बड़ा है जितना होना चाहिए। इसमें आपका शाही बिस्तर है, खिड़की, खेलने की जगह और पढ़ने की जगह, और यहाँ पर आपको आपके सारे शाही कपड़े और जेवरात मिलेंगे। सुंदर। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपको सिर्फ इसे खींचना है। जी राजकुमारी आपने बुलाया? क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे नहीं पता, क्या आपको पता है? ठीक है, अब आप जानती हैं कि आपको कुछ चाहिए तो क्या करना है। शुभ रात्रि राजकुमारी सोफिया। शुभ रात्रि। सब कुछ बड़ा निराला है और हो रही मैं बेचैन। माँ कहती सब ठीक है पर नहीं लगता मैं तैयार। गुरुकुल नए दोस्त नया परिवार और चाहती है वो करूँ मैं नृत्य। हूँ मैं नन्ही सी लड़की एक छोटे शहर की, इस दुनिया में मुझे नहीं है अवसर। मैं नहीं तैयार कि बनूँ राजकुमारी, मेरे पास नहीं वो सब, नहीं कपड़े पास, नहीं भाते ताज, और मैं करूंगी ढेरों गलतियां। मैं नहीं योग्य कि बनूं राजकुमारी, है सम्मान से इनकार। ना मैं जानू नियम, ना मैं कहने चाहूं, और ये पैर थे आरामदायक जूतों के लिए। अलमारियां भरी है सारी और मैं घबराऊं छूने को। बढ़िया खिलौने और सिरहाने विशाल है ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक नजर में है ये साफ, रद्द कर दो अब सब राज वैभव। अगर मुझे माँ का कमरा मिल जाए मैं जाऊँ बाहर। सोफिया नहीं शानदार नाम, सोफिया लहरा भी ना सकूँ हाथ। मैं नहीं तैयार के बनूँ एक राजकुमारी। सोफिया? ओह माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची, बोलो ना। मुझे वो शाही समारोह नहीं चाहिए। ओह सोफिया, लेकिन तुम्हें तो समारोह में जाना अच्छा लगता है और ये तो खास तुम्हारे लिए है। पर मुझे राजकुमारी बनने के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे नृत्य करना भी नहीं आता। मैं गिर जाऊंगी और सभी सभी मुझ पर हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा और वैसे भी कोई भी राजकुमारी बन नहीं हंस सकता। कहने की बात है। यहाँ आओ सोफिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और अगर तब भी उन सारे नीरस शाही लोगों को वो पसंद ना आए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सोफिया हम आपके लिए कुछ लाए हैं, एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। कितना सुंदर है ये। ये एक बहुत ही विशेष रक्षा यंत्र है, वचन दीजिए आप इसे कभी नहीं उतारेंगे, इस तरह आप इसे कभी नहीं खोएंगे। मैं वचन देती हूँ। चलिए अब सोने का वक्त हो गया, कल आपको राजगुरुकुल जाना है। राजगुरुकुल? बिल्कुल सही, जहाँ सारे राजकुमार और राजकुमारी शाही तौर तरीके सीखने आते हैं। शाही समारोह के बारे में भी आप वहीं पर सीखेंगी और हम उसी दिन की राह देख रहे हैं। मैं भी, धन्यवाद। शुभ रात्रि सोफिया। आपको भी। सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। क्षमा करे जादूगर सीड्रिक। सीड्रिक तुम देख कर क्यों नहीं हो, तुम्हारा लॉकेट कितना सुंदर है ना, महाराज ने मुझे दिया। जल्दी हूँ, शुभ रात्रि। उसके पास एवलार का लॉकेट है पर ज्यादा देर के लिए नहीं। ओह मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की, इतने सालों से एवलार का लॉकेट मेरी नजरों के सामने यही था, मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ, बस अब मुझे वो राजकुमारी से छीनना होगा और मुझे इतनी ताकत मिलेगी कि मैं पूरे राज्य पर राज करूंगा।
शायद मैं अब राजकुमारी बनने के लिए तैयार हूँ। क्या हो रहा है? ये एक महल है, कोई खेत नहीं। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। शू, निकलो, निकलो यहाँ से। नाश्ता 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, उसके बाद राजगुरुकुल जाना है। आ जाओ सोफिया। हे, मेरे लिए रुको। बताओ इन घोड़ों को। कुमारी सोफिया, ऊपर देखो बेटा, हमारे इस राज गुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ फ्लोरा, ये है फोना और ये है मेरी वेदा। हम प्रधान अध्यापिकाएं इस राज गुरुकुल की। हम सब कितने खुश हैं कि तुम यहाँ आई हो। हमें हमेशा अच्छी राजकुमारियों की तलाश रहती है। ये अच्छी बात है क्योंकि शुक्रवार तक मुझे राजकुमारियों जैसा बनना है। मुझे लगता है कि राजकुमारी के तौर तरीके सीखने के लिए तुम्हें थोड़ा वक्त लग सकता है। देखो, जब भी हो नया दाखिला इस राजगुरुकुल में, है अच्छा ये आरंभ, पहला कदम वो लेते हैं। होगी शिक्षा की शुरुआत, जो करेंगे द्वार पार। दो आओ हमारे संग, देखो इसमें है क्या। तुम सीखोगे तरीके राजी ढंग से जीने के, और जानोगे सलीके हर कार्यक्रम के लिए। तुम पढ़ोगे सभी किताबें, कविताएं और कहानियाँ, सीखोगे राजसी पहुँचा सही तरीके से। राजकुरकुल में धीरे धीरे बढ़ेगा ज्ञान, और उत्साह तो समझो तुम, मानो सब तुम ही हो। मिलेगा फल तुम्हें जरूर अपने कर्मों का, चाहे कड़वा हो या मीठा। भूलो आदर्श, जिससे जानेंगे तुमको क्या करो तुम में सच्चा हो, और उसे जैसा तुम ले रहे हो पहला कदम राजगुरुकुल में। हम खोजेंगे कई चीजें, हर चीज का हर एक रूप। ना चल पाए कोई जादू, ना हो पाए कोई चूक। हर कलाकृति में रंग भरो, फिर शायद तुम शिकारी। तलवारबाजी और नृत्य से आएगी होशियारी। राजगुरुकुल में धीरे धीरे बढ़ेगा ज्ञान, और उत्साह अपने कर्मों का, चाहे कड़वा हो या मीठा। और मत भूलो आदर्श, जिसे जानेंगे तुमको। नच करो तुम जैसा चाहो, और उसे जैसा रसी। अब हर दम कदम इस सूची गुरुकुल में, क्या धीरे धीरे मिलेगा मान सम्मान और ज्ञान राजगुरुकुल में। तुम्हारे पहले पाठ का वक्त हो गया है, शुभकामनाएं। बच्चों, हमारे बीच एक नई छात्रा आई है, स्वागत करो। सुप्रभात। 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 ये क्या किया? रुकिए, मैं उठा के देता हूँ। ये रही आपकी किताब। और फिर उसने सारे कांटे चम्मच जमीन पर गिरा दिए। मैं हूँ सोफिया, एम्बर की बहन। सौतेली बहन, वाह कितना अच्छा लॉकेट है। धन्यवाद, इसे शाही समारोह में पहनेंगे। हम सब वहाँ होंगे, हमें उसका इंतजार है। एम्बर, और क्या क्या कर रही हो? हमें लगता है कि सोफिया को जादुई झूले पर बैठना चाहिए। पता नहीं।
ही है, वो पिताजी ने कहा है उसे अच्छे से पेश आना। लेकिन हम हर विद्यार्थी का ऐसे ही तो स्वागत करते हैं ना। वैसे बात तो सही है। सुनो सोफिया। कहो जेम्स, कुछ काम है? अपने जादुई झूले पर बैठ के देखा, उसे झूलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप झूलता है। जाइए बैठ के देखिए। अपने आप झूलता है? ऐसा पहले कभी नहीं सुना। ओ नहीं, अब आएगा मजा। बहुत मजा है जेम्स, तुम ठीक हो? ओ नहीं, फिक्र मत करो, पहला दिन सबके लिए मुश्किल होता है, उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया था। अगला वर्ग शुरू होने से पहले कपड़े सुखाने होंगे। सोफिया रुकिए, आपने तो कहा था वो आपकी बहन है। वो है। ये आवाज कैसी? डरो मत, मैं मदद करती हूँ। अब तुम ठीक हो, बस तुम और माँ जैसे होना चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सोफिया, राजगुरु कुल में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? सोचा था उससे कई ज्यादा मुश्किल। ओ बेचारे राजकुमारी। वैसे कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ मेरा तहखाना देखने चलो? मेरा मतलब जादुई कमरा। पता है अब तक वो महाराज ने भी नहीं देखा है। बस यहाँ से ऊपर आ जाओ। और यही है वो जगह जहाँ जादू ही जादू होता है। ओ, ये बस वर्मवुड है मेरा कौवा। अब शांत हो जाओ वर्मी, तुम राजकुमारी को डरा रहे हो। देखो मैं सारे जादुई शाही कार्य बनाता हूँ यहाँ पर। वाह, ये तो कमाल की जगह है मिस्टर सीड्रिक। हे, ये तो मेरे रक्षा यंत्र जैसा है। अरे हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सच कह रही हो राजकुमारी जी। ऊपर तुम्हारे पास एवलार का लॉकेट है, तो तुम्हें इसके जादुई शक्तियों के बारे में तो पता ही होगा। तुम्हारे हर किए का फल जरूर मिलेगा, अच्छे का फल मीठा और बुरे का फल कड़वा। सच? हाँ बिल्कुल, वैसे अगर ये असली लॉकेट है तो। लेकिन इसकी सच्चाई का पता सिर्फ मेरे जैसा एक सच्चा जादूगरी लगा सकता है। ये सच है या झूठ मैं अभी दिखा सकता हूँ। मुझे नहीं पता। वो भी तुम्हें तुरंत लौटाऊंगा, मेरा वचन रहा। मैंने भी वचन दिया है कि इसे कभी नहीं निकालूंगी, और मेरी माँ कहती है कि टूटा हुआ वचन फिर से नहीं जोड़ा जा सकता। वो बिल्कुल सही कहती है। ओ, कितनी देर होगी? देखो उम्मीद है तुम्हें ये सब अच्छा लगा। मैं जानता हूँ यहाँ सब सीखने में तुम्हें वक्त लगेगा, तो अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। हाँ, वो लॉकेट मेरा होकर रहेगा। क्या तुम्हें लगता है इसे उठाना चाहिए? मजाक कर रहे हो, कल वो हमें देखकर चिल्लाने लगी थी, मेरे तो कान ही फटने वाले थे। मैं चिल्लाने वाली नहीं हूँ। तब तो ठीक है। तुम हमें सुन सकती हो? तुम बोल सकते हो? क्या ये कभी चुप रह सकता है ऐसा पूछो? हे, वैसे तुम हमें कैसे सुन सकती हो? क्या ये कोई जादू है? तुम्हारे हर किए का फल जरूर मिलेगा, अच्छे का फल मीठा और बुरे का फल कड़वा। मैंने कल एक नन्हे पंछी की मदद की, और शायद रक्षा इंद्र ने मुझे प्राणियों से बात करने की शक्ति दी। ये तो बढ़िया है, क्योंकि तुम राजकुमारी हो इसलिए मैं तुमसे अभी के अभी कुछ जानना चाहता हूँ। क्लोवर अभी नहीं, उसे तैयार होकर गुरुकुल जाना है। कोई बात नहीं क्लोवर, बताओ। रुको रुको, मुझे अधिकारी लेने की जरूरत है, मुझे नीचे रखो। गलती हो गई, तुम इतनी प्यारी हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं सकी। तो रोका करो, मदद करोगी?
ठीक है तो अब ये बताओ कि हम जंगल के जानवर तुम राजकुमारियों के इतने सालों से मदद क्यों करते आए हैं? मुझे नहीं पता। बाकी बच्चों की फिक्र मत करो सोफिया, तुम बस अपने ध्यान को एकत्रित करो ताकि तुम्हारा नृत्य सबसे अच्छा हो। बिल्कुल सही कहा क्लोवर, मैं सब कुछ सीखकर सबसे अच्छी राजकुमारी बनकर दिखाऊंगी, सब दंग रह जाएंगे। वाह वाह, ये हुई ना बात। दिन कैसा रहा? मुझे लगा राजकुमारी बनना आसान है, पर ये तो बहुत मुश्किल है। जानती हूँ। This movie encoded by Dread Holmes. जी, रूबी। मुझे लगा तुम्हें पुराने दोस्तों की याद आ रही होगी। धन्यवाद माँ। जी, रूबी। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पास कितनी पोशाक है? बहुत सारी। हमें तुम्हारी बहुत याद आई सोफिया। मुझे भी बहुत आई। तुम्हारे पास ताज कितने? पांच नहीं छह। रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। राजकुमार जेम्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें क्षमा कीजिए, हमने मूर्खता की, पर अब हम आपकी मदद करेंगे। कैसे? हम वो आपको समारोह में काम आने वाले सारे शाही तौर तरीके सिखाएंगे। शुरू करते हैं चाय कैसे दी जाती है ये सिखा कर। राजकुमार जेम्स ने मुझे चाय दी। आप अब सब कुछ सीख गई हैं। अब पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ अब हमारा काम पूरा होता है। लेकिन जेम्स एक और बात है। क्या? मुझे नृत्य नहीं आता। बस इतना ही, कोई बात नहीं। कल हमारा नृत्य का पाठ है गुरु पोपो के साथ। पर समारोह तो कल रात है। गुरु पोपो के एक पाठ से आप अच्छा नृत्य करना सीख जाओगी, हमारा विश्वास कीजिए। ठीक है? ठीक है। सोफिया, इन बदबूदार जूतों के बारे में सोचिए भी मत। हम आपके लिए नए जूते लाए हैं। धन्यवाद एम्बर। आपके लिए कुछ भी सोफिया, चलिए इन्हें जल्दी से पहन लीजिए। बच्चों यहाँ आओ। तो क्या आपको लगता है आप नृत्य कर सकते हैं? वो तो हम देख ही लेंगे। तो कौन आएगा? आप? नहीं बच्ची, बहुत अच्छे। पप पप
मेरे जैसा करो अगर हो सके तो। क्षमा चाहूंगी। कोचवान यहाँ से चलिए, समारोह के लिए 4 घंटे हैं। हमारे पास तैयार होने के लिए ज्यादा समय नहीं है। राजकुमारी सोफिया, देखिए नृत्य स्थल तैयार है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज की कमी है, एक राजकुमारी। अब सब आप पर ही निर्भर है राजकुमारी सोफिया, और मैं आपका पहला नृत्य देखने के लिए बेताब हूँ। समझ गई, जादूगर सी ट्रिक। नमस्ते जादूगर सी ट्रिक, कैसे हैं? मेरा नाम सेड्रिक है। क्या मैं अंदर आऊँ? आना जरूरी है। क्या हुआ? मुझे जरूरत हो तो आप मेरी मदद करेंगे, आपने कहा था। बिल्कुल याद है, क्योंकि मैंने तो वो कहा था। तो मुझे ये पूछना है, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिसे मैं अच्छा नृत्य कर सकूं? आज के शाही समारोह में मैं सबके सामने अपना मजाक बनते नहीं देखना चाहती। वहाँ तो आज सब लोग होंगे। इस तरह का मंत्र मेरे पास है। मिल गया, ये लो खास तुम्हारे लिए। अभी नहीं, नृत्य शुरू होने तक इंतजार करना, और उसके बाद सीधे शब्द पढ़ना, और फिर तुम इस राज्य की सबसे अच्छी नर्तकी बन जाओगी। धन्यवाद जादूगर सीट्री, पता नहीं मैं आपके बिना क्या करती। अब तुम्हारी बिना मैं क्या करता। ओ चलो भी, क्या तुम्हें वाकई लगता है वो मंत्र पढ़ने से वो अच्छी नर्तकी बन जाएगी? जब मेरा दिया हुआ जादुई मंत्र वो पढ़ेगी, समारोह में मौजूद सारे लोग गहरी नींद में चले जाएंगे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी। और मैं उन सबको तभी जगाऊंगा जब वो मुझे अपना लकेट देगी, और फिर मैं बनूंगा यहाँ का महाराज। आप बहुत सुंदर दिख रही है राजकुमारी, हमेशा की तरह। हमें अपने बहन से बात करनी है अकेले में। हम कैसे लग रहे हैं? आपने सोफिया को वो जादुई जूते जानबूझकर दिए थे ना? हमें भी कुछ याद है, आपने भी तो जाल में फंसाया था। और आपने जो किया वो एक बुरी चाल थी, उधर उस पट की जरूरत थी। आप उनका मजाक बनाना चाहती है, और जानता हूँ क्यों। क्योंकि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि सभी लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, और आज आपने जो भी किया हमें भी वही लगता है। आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेम्स रुकिए, वापस आइए। हमारी पोशाक ससेट मार्सी। राजकुमारी कितनी अच्छी दिख रही हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, इस राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी। राजकुमारी सोफिया की जय हो। महाराज,
आया सोने का वक्त। क्या हम शुरू करें? सर्वम नेत्रम करिष्ये। ये काम कर रहा है। अब इस कमरे में सब लोग गहरी नींद में चले जाएंगे। मुझे नहीं। माँ, माँ, शायद मैंने गलत पढ़ा होगा। कृपया उठिए, बचाओ, कोई मदद करो, कोई भी चलेगा। क्या कोई है? जादूगर सीड्रिक, सैनिकों, सुजैन, मर्सी, बचाओ। ये मैंने क्या कर दिया? सिंड्रेला, आप यहाँ कैसे आई? तुम्हारी रक्षा यंत्र ने मुझे यहाँ बुलाया है। ये सारी राजकुमारियों को जोड़े रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद के लिए आ सकें। तुम इतनी उदास क्यों हो सोफिया? एक अच्छी नर्तिका बनने के लिए मैंने एक जादुई मंत्र पढ़ा, पर उससे सब गहरी नींद में चले गए। इससे अच्छा मैं सबके सामने अपना मजाक बनने देती। क्या आप पहले जैसा ठीक कर सकती है? वो तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, पर शायद मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। सब क्या चाहिए? मैंने गड़बड़ की है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एक जादुई मंत्र जिसे सब गहरी नींद में चले गए। मैंने शायद उसे गलत पढ़ा, ये सब मेरी गलती है। नहीं सोफिया, आप ऐसा नहीं करती। अगर आपको जादुई जूते नहीं दिए होते, हमें जलन हो रही थी, क्योंकि सब लोग आपको पसंद करते हैं, यहाँ तक कि हमारा भाई भी। ये सच नहीं है, तुम राजगुरुकुल की सबसे चहेती राजकुमारी हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं कितनी खुश थी जब पता चला तुम मेरी सौतेली बहन बनने वाली हो। सोफिया, हम बहनें हैं। अब इन्हें कैसे जगाएं? इसे ठीक करने का सेड्रिक के पास जरूर कोई मंत्र होगा। वो कमरे को हमेशा ताला लगाए रखते हैं। चाबी कहाँ है? मुझे पता है। जरा अपना हाथ तो देना। ये रही। हम वर्मवुड के बारे में तो भूल ही गए। वो हमें किताब तक नहीं पहुंचने देगा। हमें किसी की मदद लेनी होगी। मदद कौन करेगा? सभी तो सो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सब योजना के हिसाब से चलो। तुम योजना भी बनाते हो? हे, ये जानवर तो हमारा कमरा साफ क्या करते थे? सोचते भी कहाँ चले गए? और मेरे साथियों, एम्बर ने जिंदगी में पहली बार झाड़ू को हाथ लगाया है और उसने असली कचरा साफ कर दिया। अब इन्हें ठीक करने का मंत्र ढूंढते हैं। वो है कहाँ? मुझे नहीं पता। क्यों वर्मवुड, इतने शांत क्यों हो? शर्मिंदा हो रहे हो कि एक खरगोश ने तुम्हें मार दे दी? तुम्हें ऐसे लगता है जीत तो मेरी हुई है। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा मंत्र को ठीक करना। देख नहीं रहे हो, उनके पास तुम्हारे मालिक की किताब है। मंत्र ठीक करने वाली किताब उस तस्वीर के पीछे है। अब बताओ जीत किसकी हुई? धन्यवाद वर्मवुड। मैंने जो कहा वो उसे समझ में आया। चलो चले। क्या हुआ? हम पटे हुए पोशाक में नहीं आ सकते, आप जाइए। तुम्हारे बिना नहीं, चलो साथ। मैं अपने गुड़िया के कपड़े बचपन से सीती आई हूँ। ये देखो, एकदम नए जैसा। धन्यवाद सोफिया। अब मुझे जाकर नृत्य करना होगा। रुकिए, हम ये कुछ ठीक कर सकते हैं। हम आपको अभी नृत्य सिखाएंगे। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन।
सर्वं जागरणं करिष्ये। एम्बर, ये काम कर रहा है। सोफिया, क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरी मत मारी गई है। माफ करना, हम कोई बहुत अच्छे नर्तक नहीं हैं। पॉप ऑफ की नृत्य कक्षा में हमने कभी ध्यान नहीं दिया, पर आपने जरूर दिया है। आप बहुत अच्छा नृत्य करती हैं। धन्यवाद महाराज, मेरा मतलब पिताजी। इसमें एम्बर ने मेरी बहुत मदद की है। उन्हें नृत्य करना हमने सिखाया। हाँ माँ, आप हमारे साथ नृत्य करेंगी? हाँ, क्यों नहीं जेम्स। मेरा एक सवाल है, सब आपको रोलन द्वितीय क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी जो हमसे पहले राजा थे, उनका नाम भी रोलन ही था। तो मुझे लगता है मेरा नाम होना चाहिए सोफिया प्रथम। शायद आप सही कह रही हैं। This movie encoded by Dread.